الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمرا أو خسفا ومسحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم गिरामी कद्र उलमाए गिराम बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, गुज़श्ता हफ्तों से एक लंबी हदीस चल रही है जिसमें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, 15 काम मेरी उम्मत में होंगे, हल बिहल बला, तो उन पर मुसीबतें आएगी, आफतें उतरेंगी। उसमें से चंद चीज़ें आप हज़रात के सामने जिक्र हो चुकी कि जब इज़ा कानल के माले गनीमत को अपना माल शुमार किया जाने लगेगा, इज़ा कानल मग़नम दूअल वल अमानत मगनमन, अमानत में खियानत की जाने लगेगी, व ज़कात मगरमन, ज़कात को टैक्स समझा जाएगा, उसके बाद वालिदैन के हुकूक के मुतालिक गुज़श्ता चंद बातें गुजरी, व अता रजुल ज़ौजतहु व अक़ा उम्मुहु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, कि आदमी अपनी बीवी का कहा मानेगा, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करेगा और अपने बाप से बेरुखी करेगा, वह सदीक़हु व जफ़ा अबा,
इसके मुतालिक काफी खुलासा आप हजरात के सामने गुज़श्ता हफ्ते आ चुका कि माँ बाप कौन है। इस पर आखिर में मैंने ये भी कहा था कि अगर माँ बाप जुल्म भी करे तब भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप और बच्चे में कि दोनों के बदला भी कोई नहीं। अगर माँ बाप कुछ कह भी दे तो बच्चे को इस बात की इजाजत भी नहीं है कि वो अपने माँ बाप से इसका बदला वसूल करे, क्योंकि आखिर में मैंने एक हदीस जिक्र की थी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि अगर कोई अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है तो उसके लिए जहन्नम के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अगर इताअत करता है तो जन्नत के दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और माँ बाप क्या अगर दोनों में से एक जिंदा है और एक की नाफरमानी करता है तो जहन्नम का एक दरवाजा, और अगर एक जिंदा है और एक की इताअत करता है तो जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। इसी पर सहाबा ने सवाल किया था अल्लाह के रसूल वइन ज़लमा, अगर माँ बाप जुल्म करे तो? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइन ज़लमा वइन ज़लमा वइन ज़लमा, अगर तेरे माँ बाप नाफरमानी करे नाफरमानी करे नाफरमानी करे तब भी माँ बाप और बच्चा इसमें कोई बदला है ज नहीं, तो माँ बाप से कुछ कह ही नहीं सकते। ये रिवायतें आप हजरात के सामने खुलासे के साथ आ चुकी। इसी पर बहुत सारी रिवायतें और भी हैं। खैर, खुलासे कलाम ये कि आदमी को अपने माँ बाप के हुकूक पहचानने की बहुत ज़रूरत है। आजकल इसमें बहुत कोताहियाँ हो रही हैं। शादी के बाद और शादी के बाद माँ बाप का रिश्ता गोया अपने वालिदैन से, एक बच्चे का रिश्ता अपने वालिदैन से कट जाता है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आगे फरमाया वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, जिस पर गुज़श्ता हफ्ते मैंने कुछ बातें अर्ज की थी कि मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद की जाने लगेगी, जोर जोर से मस्जिदों में चिल्लाया जाएगा, मोबाइल की घंटियां मस्जिदों में बजेगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। ये होगा कयामत, ये पेशीन गोई है, ये तमाम चीज़ें होने वाली है, लेकिन आदमी अपने आप को इन निशानियों से बचाए। करने वाले करे लेकिन अपने आप को इन निशानी में शामिल न करे। वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों का एहतराम खत्म हो जाएगा। मस्जिद बजाय इबादत के एक अपने घरेलू काम के मशवरों का चीज बना दी जाएगी। हालांकि ये तमाम चीजें होनी चाहिए, मस्जिदों में ये तमाम काम अंजाम दिए भी जाने चाहिए, लेकिन उसूल के साथ, तरीकों के साथ। ऐसा नहीं कि चिल्लाना और ये तमाम चीजें, मस्जिदों में आवाज बुलंद नहीं की जा सकती। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया व उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्रिहि, आदमी की इज्जत की जाएगी, आदमी को सलाम किया जाएगा उसके शर से बचने के लिए, इससे उसकी इज्जत की जाएगी। एक आदमी जा रहा है तो लोग उसका इज्जत इसलिए कर रहे हैं कि ये आदमी अगर नहीं करूंगा तो मुझे तकलीफ है, बदला लेगा। वह उकरीम रजुल मखाफत शर्रिहि, इस तरीके पर लोगों की इज्जत की जाएगी। और आजकल यही माहौल है, यही आलम है, ये समाज के लिए बड़ी खतरे की घंटी है कि जहां पर उकरीम रजुल मखाफत शर्रिहि हो जाए कि लोगों की इज्जत उनके खौफ की वजह से की जाने लगी। एक तो इज्जत होती है आदमी के तकवे से, आदमी के लिबास से, आदमी के चाल चलन से, आदमी के अखलाक से, इस तरीके से एक तो इज्जत की जाएगी। और एक तो ये कि आदमी में कोई खूबी नहीं, सब बुरे काम करता है और लोग उसकी इज्जत करने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये कौम के लिए और समाज को तोड़ने वाली ये सबसे खतरनाक चीज है। आगे फरमाया वकान ज़ईमुल क़ौमि अर्दलहुम, और कौम का जो रजील किस्म का आदमी होगा उसको सरदार बना लिया जाएगा, जो गाली बकता होगा, जो वैल्यू अपना पर बड़ा बड़ा रखना चाहता है, लोग उसको खौफ से सरदार बना देंगे कि तू सरदार बन जा। हालांकि सरदार कौन होता है कि जो कौम का खादिम हो, कौम के हर मसले को हल करने वाला हो, ये अमानत है, ओहदे अमानत है। अगर कोई बंदा बगैर अपनी अमानत अदा करने में अगर काम नहीं लेता है एहतियात से तो वो भी गुनहगार होगा।
पूरी कौम गुनेगार होगी अगर ऐसे आदमी को खड़ा कर दे जो कौम की कोई कौम के किसी काम का ना हो, कौम का तमाम काम बेकार कर दे, ऐसे आदमी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। वकान ज़ईमुल क़ौम अर्ज़लहु हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस वक्त जिस वक्त तक है मक्कतुल मुकर्रमा में अभी तक कुफार थे। हिजरत से पहले काबतुल्लाह का दरवाजा दो दिन खुलता था, जुमेरात के दिन और पीर के दिन, ये दो दिन खुलता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दाखिल हुए तो वहाँ बनू शैबा के हाथ में काबतुल्लाह की चाबी थी, तो उन लोगों ने कुछ गुस्ताखी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बेअदबी की, बेअदबी का मामला दर्ज किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वो वक्त आएगा कि जिस वक्त हम इसके वाले होंगे, इस पर हम कब्जा करेंगे। तो उस वक्त बनू सैबा उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ला चुके, उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम गालिब आ गए तब तो कुरैश के लिए बड़े खतरे की गिनती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, खतरे की गिनती नहीं है, कुरैश की इज्जत और ज्यादा बुलंद हो जाएगी। चुनांचे हिजरत के बाद फतेह मक्का का मौका आया, काबतुल्लाह को ताला था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, जाओ चाबी लेकर के आओ काबतुल्लाह। काबतुल्लाह की चाबी लेने के लिए हजरत अली गए उस्मान इब्न तलहा के पास, जाकर के चाबी मांगी के चाबी लाओ, तो उन्होंने चाबी दे दी, ला करके दरवाजा खोल दिया गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र अज़कार से फारिग हुए, नमाज से फारिग हुए, बाहर आकर के हजरत अब्बास हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा, उन्होंने कहा कि ये चाबी मुझे दे दो, मैं जमजम का पानी पिलाता हूँ। तो खामोश रहे। हजरत अली ने कहा ये चाबी मुझे दे दो, मैं इसका लायक हूँ, मैं ये खिदमत अंजाम दूँ तो मेरे लिए बड़ा शर्फ होगा, काबतुल्लाह की खिदमत। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान इब्न तलहा ने अली से क्या लफ्ज कहे थे आखिर, कहा कि ये मैं अमानत देता हूँ और इस अमानत को वापस देना, ये जुमला कहा। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न तलहा बनी शैबा के हाथ में चाबी दी, कहा कि ये इसके लायक है, ये इसकी खिदमत करेंगे, कयामत तक ये अभी आपके पास रहेगी, वही लेगा जो इस पर जुल्म करेगा, आपके ऊपर जुल्म करने वाला होगा वही इस चाबी को ले सकता है, वरना कोई चाबी नहीं ले सकता। इफ्तिखारुल हसन दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि 256 सल्तनत बादशाह बदल चुके, अभी सऊदीया में 256 हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से लेकर आज तक, वो चाबी देने से लेकर आज तक 256 बादशाह वहां आ चुके, लेकिन आज तक बनू सैबा के हाथ में वो चाबी है। कहा कि वो लायक है, इस बात की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इसी पर उलमा ने लिखा है कि ओहदा और कौम का रहबर, चाहे वो किसी भी तरीके का रहबर हो, कितनी भी चीजों का, थोड़े लोगों पर उसको बड़ा बना दिया जाए, वो होना चाहिए कि जो कौम की खिदमत को अंजाम दे सके, और कौम का रहबर वो होना चाहिए जो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद न हो वो कौम का क्या भला कर सकता है, जो अल्लाह की इबादत में कोताही करे वो लोगों की खिदमत में कैसे भलाई कर सकता है। एक बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह जिस वक्त वो कोई मसला पेश आता तो सारे उलमा को जमा करते, और सारे उलमा को जमा करके कहते ये मसला पेश आया, इस मसले का क्या निकाल है, इसको पेश करो, तमाम लोगों को जमा करते। चुनांचे उन्होंने हुकूमत पर बैठ करके एक किताब लिखाई, फतावा इंडिया, जिसको फतावा आलमगीरिया के नाम से याद किया जाता है और जिस पर फतवा दिया जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह वो भी जब तक फतवा न पूछते थे आगे न चलते थे, बल्कि एक बादशाह के मुतालिक लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो एक मसला उन्होंने पूछा था कि ये मसले पर मैं काम करूं कि न करूं, वो कागज उन्होंने लपेट करके अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के करीब लोगों को जमा किया, सुनो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ दुनिया से, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तूने मुझे इसका वाली बनाया, इस मनसब पर तूने मुझे रखा, आज तक कोई काम मैंने उलमा से पूछे बगैर नहीं किया है, जो भी किया है शरीयत को सामने रख करके किया है, ये तमाम पर्चियां में मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना, ताकि मैं अल्लाह को बतला सकूं कि अल्लाह इन तमाम चीजों के साथ मैं काम करके तेरे पास आया। तो कौम का रहबर वो होना चाहिए जो शरीयत का पाबंद हो,
शरीयत को बराबर काम करने वाले, शरीयत के मुताबिक काम करे, ऐसा नहीं कि अलग तब जिसको भी चाहा उसको बना दिया। हर आदमी नहीं बन सकता, ख्याल करने वाला हो, कौम की खिदमत करने वाला हो, रहबरी करने वाला हो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब ये हो जाए, आज है पूरी दुनिया में हर जगह छोटे से लेकर बड़े तक, वकान ज़ईफुल क़ौम अरसलहुम, जो सबसे बोल रहा है उसको कहा कि बस इसको बड़ा बना लिया जाए, ये चलेगा हमारे। ये कयामत की निशानियों में से, इससे अपने आप को बचाना, अपने आप को बेकार न करें। वकान ज़ईफुल क़ौम अरसलहुम। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वशुरिबतिल खुमूर, शराब पी जाने लगेगी, लोग शराब पिएंगे, ये भी कयामत की निशानियों में से है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक बड़ी वईदें बयान फरमाई है कि उस आदमी को कल कयामत के दिन उसको जन्नत की शराब नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक लिखा है शेख ज़करिया अलैहि रहमान ने कि वो एक वाक्या नकल किया है फजाइल आमाल में कि जो बंदा शराब का आदी बन जाता है उसको मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं। और उन्होंने एक वाक्या लिखा है कि एक आदमी अपनी आखिरी हालत पर था, वो कहता था कि तू भी पी मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला, ये जुमला बोल रहा था। पर आजकल नौजवान अलग अलग नाम बना करके शराब को पी रहे हैं, जिस चीज से भी नशा पैदा हो सकता है वो तमाम चीजें हराम, जिससे आदमी की अकल में फुतूर आ जावे, अकल तब्दील, और इस पर लोग तलाक रोजाना ऐसी शराब पी करके रोजाना के मसले हैं कि लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और कहते हैं कि शराब में तलाक दी, हालांकि इससे शराब तलाक वाक हो जाती है, वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है। ये तूने खुद नसाब किया है, शरीयत की तरफ से कोई चीज नहीं है, हराम हो जाएगी वो औरत, फिर नया उसके निकाह से वो निकल जाएगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में शराब की हुरमत आई, उससे पहले दो वाक्य पेश आए थे। एक वाक्य ये पेश आया था कि एक आदमी ने शराब पी, शराब पीने के बाद पेशाब करने के लिए गए, तब पेशाब अपने चुल्लू में अपने दो हाथों को बनाया और उसमें पेशाब किया, और पेशाब करके अपने जिस्म पर और अपने मुंह पर उन्होंने पेशाब को मला, और मलने के बाद वो यूं कह रहे हैं अल्लाहुम्म जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे। कहा कि शराब से आदमी की अकल खत्म हो जाती है। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद इंतकाल हुआ, कहा कि कलमा मुश्किल से जबान पर आया, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जाता, इंतकाल हो चुका। ख्वाब में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा क्या वजह है, कलमा क्यों नहीं पढ़ा गया था। कहा कि असल वजह यह है कि फरिश्ते अभी तो मुझे पकड़ करके ले जा रहे। कहा कि तू तो बड़ा नेक आदमी था, क्या वजह शराब पीने। कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने तो कभी शराब पीते मैंने नहीं पी, लेकिन मेरी बीमारी बहुत बढ़ी हुई थी, डॉक्टर ने कहा साल में खाली एक मरतबा तुझे कुछ शराब पीनी पड़ेगी तो तू बच जाएगा। चुनांचे अब बतौर इलाज के साल में एक मरतबा खाली शराब पीता था, साल में एक मरतबा। कहा कि ऐसा वो आदमी भी जा रहा है दुनिया से, कलमा मुश्किल से जबान से निकल रहा है। लिहाजा आदमी अपने आप को इससे बचाए के आज रोजाना हमारे, बल्कि रिवायतों में आता है कि 40 दिन तक शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं। और एक रिवायत में तो ये है कि ला यस्दी ज़ानी वहुवा हीन यस्दी वहुवा मुमिन, ला यस्दीकु सारिक हीन यस्दीक वहुवा मुमिन, और ला यस्दीकु हीन यस्दीक वहुवा मुमिन, के एक बंदा के जिस वक्त जीना करता है तो जीना करते वक्त उसके जिस्म से ईमान को निकाल लिया जाए, और एक आदमी चोरी करता है तो चोरी के वक्त उसके दिल से ईमान को निकाल लिया जाता है, और एक बंदा शराब पीता है तो उस आलम में उसके दिल से ईमान को खत्म कर दिया जाता है। उलमा ने बल्कि रिवायत में इस तफसीर का जवाब दिया है कि जिस तरह बंदा अपने जिस्म से कुर्ते को निकालता है तो कुर्ते को जिस तरह ऊपर खींचता है, इस तरह अल्लाह ताला जीना वाले आदमी जब जीना में मुब्तला होना शुरू हो जाता है उस वक्त से उसके ईमान को अल्लाह लटका देते हैं। अगर कोई चोरी करता है तो उस वक्त उसके ईमान को अंदर से निकाल दिया जाता है और लटक जाता है, और अगर कोई आदमी शराब पीता है कब तक नशे में रहता है तो वह ईमान अंदर से खींच लिया जाता है। हदीस है ही न यसनी ही न यसनी ही न यसरी, कि जब ये काम करता है तो ईमान नहीं रहता है उसका। अल्लाह माफ करे अगर ऐसे आलम में हम में से शराबी की जानी की मौत आ गई तो किस आलम में दुनिया से रुख सको।
लिहाजा वशुरिबतिल खुमुर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इससे बचें। आज नौजवान तबका अलग अलग तरीकों से नाम बदल बदल करके नशा आवर चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल वो दिन देखने न पड़े कि हमारी नस्लें इस बात में मुब्तला हो जाए। लिहाजा अपने बच्चों की निगहदाश्त भी करें और खुद भी बचने की मुकम्मल कोशिश करें। हजरत नबी कहे हजरत सहाबा ने इस सबक को पढ़ा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब का आम ऐलान किया गया। एक सहाबी का तिजारत का सामान शराब का भरा पड़ा मदीना में दाखिल हुआ, उस वक्त की कीमत से कई लाख रुपये लिखे हैं। तो वह आया, पता चला कि शराब तब हराम हो चुकी। तो सहाबी अल्लाह के रसूल के पास गए कि अल्लाह के रसूल हराम हो चुका, आप क्या करूं? कहा कि उसको फेंक दो। तो इतना सा इतनी शराब फेंकी गई, इतनी फेंकी गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्की से को तोड़ा है अपने हाथों से। तो तोड़ा तो मदीना की गलियों से ऐसी शराब बह रही है जैसे कि बारिश के मौसम में पानी गिरने की वजह से सैलाब रेल, इस तरीके से शराब मदीना की गलियों से बहने लगी। हराम करार दिया गया, अब इसका हम किसको नहीं पी सकते। इसी तरह वलुबिसल हरीर, रेशम को पहना जाएगा। और आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलअना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, कि जब अगले लोगों के बारे में लानतान करेंगे तो फल्यतकी मुइंदा ज़ालिका रीहन हमरा, कि उस वक्त आप आग का इंतजार करो कि आसमान से आग बरसेगी। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे तो सहाबा को गालियां देते हैं, शिया लोग चार सहाबा को गालियां देते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और एक सहाबी चौथे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनको इनके वो बोलते हैं नाउज बिल्ला करके, इन चार का नाम ले रहे हैं। तो इनके मुतालिक लिखा है कि वो लानत करो, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ एतबार से अगर सहाबी का कोई अमल सामने आ जाए ये सहाबी ने क्यों किया होगा, ये नहीं बोल सकते। वलाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, जब ये हो जाए दुनिया में फल्यर्तकिबु इंदा ज़ालिका रीहन हमरा, आसमान से आग बरसेगी, जमीन में धसा दिया जाएगा, तुम्हारी सूरतें बदल दी जाएगी, इंतजार करो उसको। खैर ये लंबी हदीस जो चल रही थी पूरी हुई, मुकम्मल हुई, होगा ये कुर्बे कयामत, ये तमाम चीजें होने वाली है, लेकिन आदमी अपने आप को इन चीजों से बचाए कि मैं इन काम को न करने का, लोग करेंगे उनकी जगह पर लेकिन मैं इन निशानियों का मुर्तकिब न होने पाऊं। रजब का महीना शुरू हो चुका है, आदमी को चाहिए कि ये दुआ पढ़ता रहे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, अगर अरबी में न हो तो अल्लाह ताला हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमजान के महीने तक पहुँचा दे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी लंबी उम्र की दुआ नहीं की, किसी भी रिवायत में नहीं मिलेगी, लंबी उम्र के लिए कभी दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर, लेकिन एक रजब के महीने के मुतालिक ये रिवायत साबित है कि अल्लाह के रसूल ने रमजान की बरकतों को हासिल करने के लिए दुआ का वजूद आया कि दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें बरकत दे ताकि रमजान की बरकतों का हुसूल कर सकें, रमजान की बरकतें हासिल कर सकें। तो अभी से एक तो ये, और दुआ का दूसरा मतलब ये कि अभी की रमजान, अभी से रमजान की तैयारियां शुरू कर दी जाए। कुरान करीम की तिलावत में ज्यादती हो जानी चाहिए, नमाजों में ज्यादती, तौबा और इस्तिगफार में ज्यादती आदमी की हो जानी चाहिए। इन कही सुनी बातों पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हम आज मस्कुरात में ऐलान हुआ था कि एक तालीम यहाँ होगी और एक तालीम अमन बंगलोर में, लेकिन चूँकि मस्कुरात की जमात हमारे यहाँ आई है तो अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मेमन के घर वो जमात रुकी हुई है, तो तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि 4:15 बजे वहाँ पर बयान होगा मस्कुरात में, तो अपने अड़ोस पड़ोस की औरतें अपनी बेटियाँ और अपने घर की औरतों को लेकर के 4:15 बजे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मेमन के घर पहुँचने की कोशिश करें। अमन बंगलोज, अमीन पार्क, अमन प्लाजा, तमाम किस्म तमाम इहादे की औरतें, ऐसा नहीं कि खाली अमन पार्क, तमाम जगहों की औरतों का एक ही जगह पर बयान होगा अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मेमन, वहाँ पर तमाम की औरतें पहुँचने की कोशिश करें। गुज़स्ता जुमा आपसे ऐलान किया गया था कि साजिद भाई कावी वाले अब्बास भाई के लड़के, जिनका दुआ के लिए गुजारिश की गई थी कि उनकी शिफा के लिए दुआ करें, आज वो अल्लाह को प्यारे हो चुके। वो बहुत खिदमत गुजार बच्चा था, जमात वालों को नमाज भी पढ़ा दिया करता था, इबादत खाने में खिदमत किया करता था, अल्लाह को प्यारा हो चुका कुछ बीमारी के बाद, 15-20 दिन
वेंटिलेटर पर रहा और उसके बाद इंतकाल हो चुका। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमिन की मगफिरत फरमाएं। पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला पूरी उम्मत और पूरी मखलूकात की हिफाजत फरमाएं और अल्लाह ताला हमें रुजू इलल्लाह की तौफीक अता करें।